हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओरिजिन कोचिंग। आज का हमारा टॉपिक है सीजीपीएससी मेंस, एसीएफ और रेंजर। इसमें जो फिजिक्स के पोर्शन आते हैं, आपके फिजिक्स के जो सिलेबस है उसको कवर करते हुए हम लोगों ने जो सीरीज स्टार्ट किया है, उसमें हमने पहले पार्ट में पढ़ा था परावर्तन, रिफ्लेक्शन। आज हम उसका दूसरा पार्ट लेके आते हैं। पहले पार्ट में मैंने परावर्तन के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किया था और उसके साथ साथ समतल पृष्ठ से जो परावर्तन होता है वो कंप्लीट आपको एक्सप्लेन किया था। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है गोली पृष्ठ से परावर्तन, ठीक है, रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। तो देखिए किस तरह से अपन गोली पृष्ठ से परावर्तन करते हैं और दर्पण बनाते हैं। गोली पृष्ठ, स्फेरिकल सरफेस, स्फेरिकल सरफेस गोली पृष्ठ क्या देखे। सपोज हमारे पास ये कोई खोखला गोला है, ये हमने कांच का हालो स्फेयर ले लिया, खोखला गोला ले लिया, और ये इसका सेंटर है। सपोज ये इसका सेंटर है। अब हमने क्या किया, इसको ये पीस, ये टुकड़ा हमने इसे कटिंग किया, खोखले कांच के गोले से ये टुकड़ा कट किया और इसको कट करके हमने बाहर निकाला इस तरह से ये, और एक और हम फिगर बना देते हैं इस तरह से, क्लियर। अब हमने क्या किया, इस गोली पृष्ठ को देखो, ये गोले का टुकड़ा इसलिए गोली पृष्ठ है, इसके हम इस तरह उभरे हुए सतह को हमने इसको पॉलिश कर दिया, उभरे हुए सतह को पॉलिश कर दिया, और इसमें जो अंदर की ओर दबा हुआ सतह है उसको पॉलिश कर दिया। ये पॉलिश सरफेस है इसका। ऐसा करने से क्या होता है, इसका अंदर वाला जो सतह है ये चमकीला हो गया और ये बन गया परावर्तक सतह, ये परावर्तक सतह बन जाएगा, और यहाँ पर ये वाला जो सतह है वो परावर्तक सतह बन जाएगा। तो इससे जो दर्पण बना, इससे जो मिरर बना, इसमें ये मिरर को हम क्या कहेंगे, अवतल दर्पण। यह है अवतल दर्पण, इंग्लिश में कहेंगे कॉनकेव मिरर। ये कॉनकेव मिरर हो गया, और जिसका उभरा हुआ सतह, ये उभरा हुआ सतह है, ये चमकीला है, ये परावर्तक है, इसको हम बोलते हैं उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर। इस तरह से हमारे पास दो दर्पण गोली पृष्ठ पर पॉलिश करने के बेस पर दो तरह के दर्पण हमारे पास बनते हैं। एक को हम अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण में जो परावर्तक सतह होता है वो अंदर की ओर दबा होता है, और दूसरा होता है उत्तल दर्पण, जिसमें जो परावर्तक सतह है वो ऊपर की ओर उठा हुआ होता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात है हम इसकी टर्मिनोलॉजी को, मतलब इसमें जो जो शब्द यूज होते हैं वो सबसे, देखिए ये एक बेसिक साइंस है और इसको आप यदि कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे, मैं अपने फिजिक्स के हर क्लास में आपको याद दिलाता हूँ कि यदि आपने फिजिक्स को कॉन्सेप्ट के हिसाब से आप बेस क्लियर कर लिए तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे आसानी से बनेंगे, और यदि आप उसको रटने का प्रयास करोगे तो आपको याद होगा नहीं। इस तरह से हमने अवतल उत्तल दर्पण को देखा। अब इसके जो पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स मतलब हम इसके किस किस पार्ट को क्या कहते हैं, तो यहाँ पर आप देखिए फिगर में, ये जो हमने गोला लिया था, खोखला गोला लिया था, उसका ये केंद्र है। तो नेचुरली इसको हम यदि कंप्लीट करें तो इसका ये, इस गोले को हम कंप्लीट करें तो सपोज ये इसका ये केंद्र है और इसमें इस साइड इसका केंद्र आएगा ये, तो इसको हम सी से प्रदर्शित करते हैं और सी फार होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी फार सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, और हिंदी को हम हिंदी में इसको कहते हैं वक्रता केंद्र। तो सी इसका वक्रता केंद्र होता है, यहाँ पर मैंने इसको सी कहा, ये इसका वक्रता केंद्र है। अब वक्रता केंद्र और इस बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा है ये है पी, पी फार पोल, तो पी क्या है, पोल है, जिसको हम हिंदी में क्या कहेंगे, पी फार पोल, और हिंदी में इसको बोला जाता है ध्रुव, तो ये इसका ध्रुव हो जाएगा, ये ध्रुव बिंदु कहलाता है। मैं इनके एक एक करके इसके पार्ट्स को आपको बताते जा रहा हूँ। तो इस तरह से पी इसका पोल है, और सी और पी
मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाने वाली जो रेखा है इसको हम इसका अक्ष कहते हैं, इसका एक्सिस कहते हैं, एक्सिस ऑफ द मिरर ये अक्ष कहलाता है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात है कि सी और पी के बीच की जो दूरी है, मतलब यहाँ पर सी पी, इसको हम कहते हैं वक्रता त्रिज्या, ये कहलाता है वक्रता त्रिज्या, और इसको हम प्रदर्शित करते हैं कैपिटल आर से, ये वक्रता त्रिज्या कहलाता है। और सी और पी के बीच में ठीक ठीक मध्य बिंदु, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल के बीच में ठीक एक मध्य बिंदु होता है जिसको हम एफ से प्रदर्शित करते हैं, और एफ यहाँ पर क्या कहलाता है, एफ को कहते हैं फोकस, फोकस, और हिंदी में भी हम इसको फोकस ही कहते हैं, इस प्रकार से ये फोकस कहलाता है। और पी से एफ तक की जो दूरी है पी एफ, इसको हम फोकस दूरी कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। क्लियर, एक बार मैं आपको रिपीट कर दूं, जिस खोखले गोले से काट के इस दर्पण को बनाया गया है उसका जो केंद्र है इसका वक्रता केंद्र कहलाता है, दर्पण का ठीक यहाँ पर जो मध्य बिंदु होता है उसको उसका पोल मतलब ध्रुव कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाने वाली रेखा को हम दर्पण का अक्ष कहते हैं, सी और पी का ठीक मध्य में एक बिंदु होता है जिसको हम एफ से प्रदर्शित करते हैं और उसको हम क्या कहते हैं, उसका फोकस कहते हैं। क्लियर, अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात आप ध्यान देंगे, इस पॉइंट और इस पॉइंट, ये दर्पण का जो परावर्तक सतह है इसके दोनों बिंदुओं को मिला दें, ये जो डॉटेड लाइन से मैंने एक लाइन खींचा इसको बोलते हैं दर्पण का द्वारक, द्वार मतलब जैसे डोर होता है द्वारक, इंग्लिश में बोलते हैं अपर्चर, अपर्चर ऑफ द मिरर, तो ये कहलाता है दर्पण का द्वारक। तो सबसे पहले आपको उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के टर्मिनोलॉजी को समझना है, मतलब हम उसके किस पार्ट को क्या कहते हैं। क्लियर, इसके बाद हमको यहाँ पर समझना है कि अवतल दर्पण जब प्रतिबिंब बनाता है, इमेज बनाता है, इमेज क्या है, इमेज कितने प्रकार के होते हैं, उनके कैसे बिहेवियर होते हैं, ये सब मैंने इसके फर्स्ट पार्ट के वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दिया है। यदि आप में से कोई भी स्टूडेंट सीधा मेरा सेकंड पार्ट का वीडियो देख रहा हो तो उनको मेरा सजेशन है कि सबसे पहले आप इसके फर्स्ट पार्ट के वीडियो को देखिए, तो आपको, क्योंकि इसका मैं बेसिक फंडामेंटल पहले पार्ट में क्लियर कर चुका हूँ। क्लियर, अब यहाँ पर हम देखते हैं इसके प्रतिबिंब का बनना, इमेज फॉर्मेशन, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि प्रतिबिंब बनता कैसे है। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, आपको पहले पढ़ाया जा चुका है, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। क्लियर, तो यहाँ पर हम इसके नियम को समझते हैं, प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब रचना के नियम। क्लियर, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, तो किस प्रकार से प्रतिबिंब बनने का नियम होता है देखिए, इसके लिए सबसे पहले मैं आपको यहां पर ये अवतल दर्पण से बताता हूं, दोनों के लिए बताता हूं बारी बारी से। ये अवतल दर्पण है, इस तरह से देखिए, मैंने आपको पहले बताया है कि प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम दो किरण चाहिए। प्रतिबिंब का परिभाषा मैंने क्या बताया था कि अपवर्तन या परावर्तन के पश्चात जब दो या दो से अधिक प्रकाश किरणें किसी बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं या काटती हुई प्रतीत होती हैं तो वह बिंदु क्या कहलाता है, वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है, वो इमेज कहलाता है। तो यहाँ पर प्रतिबिंब बनाने के लिए तीन नियम है अवतल दर्पण के लिए। सबसे पहला नियम है कि जो प्रकाश की किरण, ये पहला नियम, ये आपको समझना बहुत जरूरी, अदरवाइज आप इसमें फिगर नहीं बना पाएंगे, और इसमें फिगर बनाना ही सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आपके एग्जाम में रे डायग्राम बनाने के लिए आ सकता है। तो पहला रूल क्या बताता है कि जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है वह परावर्तन के पश्चात फोकस से होके जाती है। पहला नियम क्या बताया मैंने, जो प्रकाश की किरण मुख्य के समानांतर आपतित होती है वह दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। इसके पैरेलल मैं आपको साथ ही साथ अवतल दर्पण का भी बता, उत्तल दर्पण का भी बता दूं, ये मैंने उत्तल दर्पण बना लिया। यहां पर देखिए, जो प्रकाश की किरण इस प्रकार से मुख्य अक्ष के समानांतर आती है वो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर आती हुई प्रतीत होती है क्योंकि इस दिशा में चली जाएगी। इस तरह आप दोनों दर्पण के बिहेवियर देख रहे होंगे कि ये जो दर्पण है वो प्रकाश की किरणों को क्या है,
फोकस की ओर केंद्रित करता है, मतलब उनको इकट्ठा करता है, क्लियर। लेकिन ये जो दर्पण है, अवतल दर्पण है, वो प्रकाश किरणों को क्या करता है, और फैला देता है। इस प्रकार से देखो, इधर आने वाले प्रकाश को फैला दिया। तो पहला नियम इसका क्या हुआ कि जो प्रकाश जो मुख्य अक्ष के समानांतर आती है वो फोकस से होकर आती हुई प्रतीत होती है, आती नहीं है, आती हुई प्रतीत होती है, और यहाँ फोकस होकर जाती है। दूसरा नियम, जो प्रकाश की किरण प्रकाश केंद्र से होकर जाती है, वक्रता केंद्र, सॉरी वक्रता केंद्र से होकर जाती है, ये वक्रता केंद्र है। तो दूसरा नियम, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण उसी दिशा में वापस लौट जाती है। क्यों? क्योंकि वो लंबवत होती है, वो एक त्रिज्या होती है, और त्रिज्या हमेशा परिधि पर लंबवत होती है। और लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था अपने फर्स्ट पार्ट में कि जो प्रकाश की किरण दर्पण पर समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है उसी दिशा में परावर्तित हो जाती है। तो दूसरा नियम मैंने क्या बताया, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये सपोज कोई प्रकाश किरण हम इस प्रकार से सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर आपतित करें, ये सी है। तो सपोज मैं इसको टारगेट करके प्रकाश किरण आपतित करूं कहीं से भी इस तरह से, ये इस डायरेक्शन में, तो ये सेम डायरेक्शन में वापस लौट जाएगी। क्यों? क्योंकि इसके जाने की दिशा क्या है, प्रकाश वक्रता केंद्र की ओर है, क्लियर। नेक्स्ट देखो, थर्ड नंबर का नियम क्या कहता है, यदि कोई प्रकाश की किरण फोकस से होकर जाती है, ये मैंने फोकस से आपतित किया, थर्ड ये प्रकाश ने मैं फोकस से आपतित किया, तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। यहाँ पर भी वैसी है, जो प्रकाश की किरण फोकस की ओर आएगी वो उसके समानांतर जाती हुई प्रतीत होगी, क्लियर। और चौथा और इम्पॉर्टेंट नियम है कि जो प्रकाश की किरण इसके ध्रुव पर पोल पर आपतित होती है, ये चौथा नियम, तो वह जितने कोण से आपतित होती है, सपोज इस आई कोण से आपतित होती है, तो उतना ही कोण बना के क्या होती है, वो परावर्तित हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है, मतलब ये भी आई हो जाएगा। तो प्रकाश केंद्र पर आपतित होने वाली पोल पर, सॉरी ठीक है, प्रकाश केंद्र हम लेंस में कहते हैं, पोल पर आपतित होने वाली जो प्रकाश की किरण है वह उतने ही कोण बना के, जितने कोण से आपतित होती है उतने ही कोण बना के क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। इस प्रकार से जब हम इसका इमेज फॉर्मेशन करेंगे, मतलब इसके प्रतिबिंब की जब हम रचना करेंगे, तो उसके लिए कम से कम हमको दो किरणें चाहिए। तो दो सुटेबल रेज अपन क्या करते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। सुटेबल रेज मींस जितनी आसानी से हम फिगर को बना सके। अभी मैं इसके सभी कंडीशन के फिगर रे डायग्राम बना के आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, तो पूरी बात क्लियर हो जाएगी, क्लियर। तो ये हो गया प्रतिबिंब रचना के नियम। अब हम यहाँ पर देखते हैं चिन्ह परिपाटी, क्योंकि कभी भी जब हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन बनाते हैं, यदि आपके एग्जाम में कोई आंकिक प्रश्न आ जाए और उस आंकिक प्रश्न को आपको बनाना हो, तो यदि इन दूरियों को आप चिन्ह परिपाटी के साथ नहीं रखेंगे तो आपको प्रॉब्लम क्या होगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अपन पढ़ते हैं साइन कन्वेंशन चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी साइन कन्वेंशन, चिन्ह परिपाटी क्या होता है, साइन कन्वेंशन, इसका मतलब क्या है, देखिए जैसे ये कोई अवतल दर्पण है, परिपाटी का मतलब होता है ऐसे रूल्स जिसको हम मान्यता दे चुके, जिसको हम मान चुके। ये मान लो एक अवतल दर्पण है, तो पहला रूल क्या है, आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां, ये आपतित किरण है, आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियों को हम क्या लेते हैं, धनात्मक लेते हैं। ये पोल है, अच्छा एक पहला रूल तो आप ये ध्यान में रखिए कि समस्त दूरियों को, सभी दूरियों को कहाँ से मापा जाएगा, पोल से मापा जाएगा। मतलब हम मेजरमेंट जब स्टार्ट करेंगे तो पी से ही स्टार्ट करेंगे। तो पी से जब स्टार्ट करेंगे हम, तो देखो ये आपतित किरण की दिशा है, तो आपतित किरण की दिशा में मतलब पूरे इस दिशा में जो दूरी मापा जाएगा उसको हम धनात्मक लेंगे। और आपतित किरण के विपरीत दिशा में यदि हम इस दिशा में जाएं तो उसको हम क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। पहला नियम मैंने क्या बताया, आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियों को हम धनात्मक लेते हैं। टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे द साइन विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, एंड अपोजिट ऑफ द इंसिडेंट रे साइन विल बी ऑलवेज निगेटिव। विपरीत दिशा में मापी गई दूरियों को हम ऋणात्मक लेते हैं।
सेकंड रूल इज, थर्ड रूल इज, ये सेकंड रूल हो गया, थर्ड रूल इज, यदि हम मुख्य अक्ष के ऊपर मापें, ये मुख्य अक्ष कहलाता है, तो मुख्य अक्ष के ऊपर मापी गई दूरियों को हम क्या लेते हैं, धनात्मक लेते हैं। अपवर्ड डायरेक्शन ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, एंड मुख्य अक्ष के नीचे मापी गई दूरियों को हम क्या लेते हैं, निगेटिव, दैट मीन्स बिलो या डाउनवर्ड ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस इज ऑलवेज निगेटिव साइन। तो ये साइन कन्वेंशन होता है और इसी के बेस पर हम कोई भी न्यूमेरिकल्स को बनाते हैं। क्लियर। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि ये जो उत्तल दर्पण है और अवतल दर्पण है, ये प्रतिबिंब बनाते कैसे हैं और कितने प्रकार का ये प्रतिबिंब बनाते हैं, यही इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे उत्तल दर्पण, ठीक है, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब रचना के नियम। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब, इमेज फॉर्मेशन थ्रू कॉन्वेक्स मिरर। अब इसको समझने से पहले, इससे पहले कि हम इसके रे डायग्राम ड्रा करें, इनके चित्रों को समझें, मैं आपको एक चार्ट बता रहा हूं और उस चार्ट को आपको सबसे पहले लर्न करना होगा। सबसे पहले आपको चार्ट प्रिपेयर करेंगे, तो चार्ट के बेस पर हम उनके फिगर को बनाएंगे। वैसे आप बुक्स वगैरह पढ़ेंगे तो सबसे पहले फिगर दिया रहता है और लास्ट में कंक्लूजन में उसका चार्ट देता है, लेकिन पढ़ने का तरीका यह है कि सबसे पहले आप उसके चार्ट को प्रिपेयर करिए। तो ये चार्ट मैं आपको बता रहा हूँ, इसी के बेस पर हम क्या है, इसके फिगर ड्रा करेंगे। देखिए, तो यहाँ पर मैं इसके पोजीशन किस किस तरह से होते हैं ये आपको बता रहा हूँ, और मैं एक एक करके सब फिगर को आपको बताते जाऊँगा। तो फर्स्ट ये है वस्तु की स्थिति, ये मैं फर्स्ट नंबर पर दे दिया सीरियल नंबर, ये नंबर। ओ फॉर ऑब्जेक्ट, तो अब इसको ध्यान में रखेंगे, ये वस्तु की स्थिति है। एक बार मैं शब्दों में लिखूं, वस्तु की स्थिति जिसको मैं ओ कह रहा हूं। दूसरा है प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति जिसको हम आई कह रहे हैं, आई फॉर इमेज। उसके बाद हम देखेंगे उसकी आकृति, आकृति मतलब उसका साइज, उसका साइज कैसा होता है। फिर हम उसको करेंगे उसकी प्रकृति, प्रकृति मतलब उसका नेचर कि किस तरह का उसका बिहेवियर होता है। तो फर्स्ट नंबर में आप देखिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और इसका जो सिक्स नंबर का पोजीशन होता है जिसका बिहेवियर सबसे अलग होता है, तो उसको मैं अलग सेपरेट कर दिया और नीचे में लिखूंगा सिक्स नंबर। अब होता क्या है, एक बार मैं छोटा फिगर बना के आपको बता दूं कि पोजीशन किस तरह से बनते हैं। सबसे पहले हमको पोजीशन पता नहीं, प्रकाश किरणें कहीं अननोन प्लेस से आती हैं, उसको हम कहते हैं अनंत। मान इधर कहीं से भी प्रकाश किरणें आ रही हैं तो उसको क्या कहेंगे, अनंत कहेंगे। तो पहला क्या है, वस्तु कहाँ हो, अनंत में हो। अब वो आ जाता है अनंत और प्रकाश केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र के, ये वक्रता केंद्र है, तो वक्रता केंद्र और अनंत, अनंत मतलब इधर का पूरा हिस्सा अनंत हो गया, तो इनके बीच मतलब क्या हो जाएगा, बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी। ये मैं आपको वस्तु के पोजीशन बताते जा रहा हूँ। उसके बाद सीधा कहाँ आ जाएगा, वो वक्रता केंद्र पर आ जाएगा, तो थर्ड पोजीशन क्या हो गया, वक्रता केंद्र हो गया। इसके बाद वक्रता केंद्र के और अंदर क्लोज होते जाएगा, यहाँ पर फोकस पॉइंट है, तो ये हो जाएगा मतलब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, मतलब बिटवीन सी एंड एफ, ये हो जाएगा बिटवीन सी एंड एफ। उसके बाद और अंदर चला जाएगा, और अंदर चला जाएगा तो कहाँ आ जाएगा, वो फोकस पर आ जाएगा, तो ये फिफ्थ पोजीशन इज इट्स फोकस पोजीशन। और फोकस से भी जब अंदर चला आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होता है, ध्रुव, तो फोकस और ध्रुव के बीच, बिटवीन फोकस एंड पोल, तो ये हो जाएगा एफ एंड पी, ये इसका सिक्स पोजीशन होता है। अब इसको याद करने का आपको एक ट्रिक्स बता रहा हूँ, आपको एक तरीका बता रहा हूँ कि यदि आपने यहाँ से इस तरह से लिखा है, अब यहाँ से आप इसको उल्टा लिख दीजिए, जैसे आप 1 से 5 लिखे हैं वैसे आप इधर से 1 से 5 लिख दीजिए। तो यहाँ पर क्या लिखे हैं, अनंत, तो यहाँ पर अनंत लिख दो। इसके बाद आप क्या लिखे हैं, अनंत और सी लिखे हैं। ये ट्रिक्स बता रहा हूँ आप याद रखने का, क्योंकि जब तक इसको आप याद नहीं रखेंगे फिगर नहीं बनेगा। इसके बाद ये, इसके बाद फिर क्या आ गया, सी, फिर नीचे चले जाएंगे तो सी और एफ, और यहाँ चले जाएंगे तो एफ, तो अपने आप क्या होगा, आपको इसका पोजीशन याद हो जाएगा। देखिए यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो गया, क्या क्लियर हो गया,
कि यदि वस्तु अनंत में हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस में बनता है। यदि वस्तु अनंत और सी के बीच हो तो प्रतिबिंब सी और एफ के बीच बनता है। यदि वस्तु सी पर हो तो प्रतिबिंब भी सी पर ही बनता है। यदि वस्तु सी और एफ के बीच में हो तो प्रतिबिंब अनंत और सी के बीच में बनता है। यदि वस्तु क्या है, फोकस पर हो तो प्रतिबिंब कहां पर बनता है, अनंत पर बनता है। ये आपको एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि वस्तु यहां पर है तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा। इसके बाद उसकी आकृति अब हम देखेंगे कितना बड़ा बनेगा। तो सबसे पहले बनता है वो बिंदु के आकार का। बिंदु के आकार का मतलब पॉइंट, ऐसा पॉइंट जैसा इमेज बनेगा। इसके बाद सेकंड नंबर में क्या होता है, बिंदु से बड़ा होता है लेकिन वस्तु से छोटा। आप यहां पर लिख लेंगे वस्तु से छोटा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, क्लियर, वस्तु से छोटा। उसके बाद यहां पर सी सी, ये बराबर वाला कंडीशन है। अब मतलब देखिए क्या हो रहा है, प्रतिबिंब का साइज लगातार बढ़ते जा रहा है। सबसे पहले बिंदु आकार का था, फिर वस्तु से छोटा बना, फिर वस्तु के बराबर बन गया, फिर वस्तु से बड़ा बन गया, ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट, और उसके बाद कीजिए बहुत बड़ा बन गया। तो ये इसको याद रखना बहुत आसान है, आप पॉइंट से स्टार्ट करिए और उसको बढ़ाते जाइए। इसके बाद उसकी प्रकृति मतलब नेचर कैसा है, तो हमेशा इस कंडीशन में क्या होगा, उसका प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, और उल्टा बनेगा इसलिए क्या होगा, वो वास्तविक होगा। ये सब मैं आपको अपने फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूँ, इसीलिए बार बार आपको याद दिला रहा हूँ कि यहाँ यदि आपको बेसिक चीज़ों को समझने में प्रॉब्लम होगा तो पहले आप इसके फर्स्ट पार्ट का वीडियो कंसल्ट करिए, क्लियर। अब ये सभी के सभी उल्टा और वास्तविक, उल्टा वास्तविक, उल्टा वास्तविक और उल्टा और वास्तविक होगा। जिस प्रकार से अब मैंने सिक्स पोजिशन को अलग से छोड़ के रखा हुआ है, वो इसलिए क्योंकि देखो जब ये इसके बीच में आ जाएगा, क्लियर, सबसे पहले कहां था, अनंत में था, फिर अनंत और सी के बीच में आया, फिर कहां आ गया, सी में आ गया, फिर सी और एफ के बीच में आ गया। अब यहां पर मैंने फिगर पहले से बना दिया था, ये वाला फिगर जो बना दिया था, पोल और एफ के बीच में ये वाला पोजीशन है, अनंत वाला को नहीं बनाया। तो दोनों के बीच में जब हो तो उस कंडीशन में ये जो प्रतिबिंब होता है वह क्या होता है, दर्पण के पीछे बनता है। मतलब अभी तक जो प्रतिबिंब है वो इधर ही बनेगा, लेकिन सिक्स पोजीशन, सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन आपका यही पोजीशन, यदि एग्जाम में आए तो इसका पूछने का चांस हमेशा सबसे ज़्यादा होता है। मतलब इस कंडीशन में अभी इमेज इधर ही बन रहा था, लेकिन इमेज छठवें कंडीशन में क्या होगा, दर्पण के पीछे। तो पोजीशन क्या हो गया इसका, बिहाइंड मिरर, दर्पण के पीछे बनेगा, और उसकी आकृति बड़ा होगा, अब वो छोटा हो नहीं सकता, क्लियर, बड़ा ही होता जाएगा। अब प्रकृति बदल जाएगा, अब वो सीधा बनेगा, अब उसका प्रतिबिंब सीधा बनेगा, और सीधा बनेगा इसलिए क्या होगा, वो आभासी, क्योंकि आभासी प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। तो सबसे पहले आपको ये चार्ट प्रिपेयर करना है, और ये चार्ट आपको प्रिपेयर नहीं है तो आप इसके कोई भी फिगर नहीं बना सकते। अब मैं वन बाई वन, वन से लेकर सिक्स तक इसके पूरे फिगर को आपको बना के प्रैक्टिस कराता हूँ। इसके बाद मेरा आपको सजेशन है कि जैसे ही आप मेरा वीडियो देखते हैं उसके तुरंत बाद खुद पेंसिल स्केल निकाल के इसके फिगर की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आप सिर्फ लेक्चर सुन के ये नहीं बना सकते, और एग्जाम में कभी भी कोई भी पोजिशन का आपको रे डायग्राम ड्रा करने को आएगा तो आपको प्रैक्टिस होना जरूरी है, क्लियर। तो मैं आपको इसके एक एक पोजिशन को बताते जाता हूँ। देखिए सबसे पहले हम ये पूरे सिक्स पोजिशन में एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहला पोजिशन, अच्छा ध्यान रखना, ये हम पूरे इमेज किसके लिए बना रहे हैं, सिर्फ उत्तल दर्पण के लिए, दैट मीन्स कॉन्वेक्स मिरर के लिए। कॉन्केव के लिए हम फिर से बनाएंगे अलग से। तो वस्तु कहां पर हो, अनंत हो, तो सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, इस प्रकार से एक दर्पण बना लीजिए, अवतल दर्पण। पहला फिगर तो ऐसे ही है लेकिन मैं एक बार सबको बता दूं आपको, इस प्रकार से। अब वस्तु अनंत में है तो अनंत के वस्तु को तो आप क्या है, आप बता नहीं सकते कि कहां पर है, तो वस्तु को पोजिशन नहीं बनाना है, बस अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणों को क्या करिए, मुख्य अक्ष के समांतर ले लीजिए, ऊपर भी ले लीजिए, नीचे भी ले लीजिए। और अभी मैंने आपको रूल्स बताया कि जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है वो कहाँ से होकर जाती है, फोकस से। तो ये फोकस से चली जाएगी, और ये भी फोकस होकर चली, इस प्रकार से ये भी फोकस होकर चली जाएगी।
तो दोनों प्रकाश की किरणें जब फोकस से होकर चली जाएंगी और दोनों एक दूसरे को यहाँ पर काटेंगी तो ये फोकस बिंदु होगा। और देखियो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रतिबिंब बिंदु के आकार का बन रहा है, ये फोकस में इमेज बना, प्रतिबिंब की स्थिति, फोकस आकृति कैसा है बिंदु के आकार का, और चूंकि वो वास्तव में काट रहे हैं इसलिए प्रतिबिंब वास्तविक है, बिंदु का उल्टा सीधा होता नहीं, लेकिन चूंकि वास्तविक प्रतिबिंब है तो हम उसको उल्टा मान के सकते हैं, मान सकते हैं, क्योंकि बिंदु का तो कोई उल्टा सीधा होता नहीं, पॉइंट तो पॉइंट है। क्लियर, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट इमेज, बहुत आसान है। अब हम देखते हैं इसका सेकंड इमेज को, सेकंड नंबर का कंडीशन क्या है, बिटवीन इंफिनिटी एंड सी, जब क्या हो अनंत और सी के बीच में हो। क्लियर, तो ये मैं आपको एक ढंग से आपको फिगर बता देता हूं। सबसे पहले आपको इस तरह से मुख्य अक्ष बना लेना चाहिए, आप कभी भी रे डायग्राम ड्रा करेंगे तो इसी स्टेप को फॉलो करिए जैसे मैं आपको बता रहा हूं। क्लियर, तो इसके बाद फिर आप इस तरह से अवतल दर्पण बना लीजिए, अवतल दर्पण बनाने के बाद आपको वस्तु को बनाना है, तो पहले से आप वस्तु के पोजीशन को मत लिखिए, यदि आप शुरू से वस्तु के पोजीशन को लिख देंगे तो बात को आप बाद में आपको एडजस्टमेंट करने में प्रॉब्लम आएगा। अब यहाँ पर आप वस्तु को इससे छोटा, दर्पण का जो साइज है उससे छोटा, इस तरह से आप ये वस्तु बना लीजिए, ये वस्तु है, वस्तु का नाम दे दिए क्या, ए बी। अब आपको याद है कि वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा, तो सबसे पहले मेरा, वैसे तो मैंने चार नियम बताया था आपको, लेकिन एक नियम आप जरूर पालन करिए, वो है मुख्य अक्ष के समांतर वाला। तो आप इसके शीर्ष बिंदु से मुख्य अक्ष के समानांतर एक बिंदु आपतित कर दीजिए, ये हो जाएगा मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण। अब आपको पता है कि जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है वो परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाती है, फोकस से। तो अभी आप इसके फोकस को मत बनाइए। दूसरी प्रकाश की किरण आपको पता है कि जो यहाँ से जाती है वहीं से लौटती है, और जो वक्रता केंद्र से होकर जाती है उसी दिशा में वापस आ जाती है। तो यहाँ से हम वक्रता केंद्र वाले प्रकाश की किरण को आपतित कर देते हैं पहले, या इसको आप फोकस से होकर ले जा भी सकते हैं, पहले अपन फोकस से होकर लेके चलेंगे, ठीक है। ये फोकस से होकर चली जाती है इस तरह से, मतलब जो मुख्य अक्ष के समानांतर आती है वो कहाँ से जाती है, फोकस से होकर जाती है ये। अब दूसरी प्रकाश की किरण को आप कहाँ से लेके जाइए, वक्रता केंद्र से, इस तरह से, ये इसका वक्रता केंद्र है, ये वक्रता केंद्र से होकर जाती है। जो प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है वह उसी दिशा में वापस लौट जाती है। क्लियर, तो यहाँ पर देखिए ये दोनों प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात, ये और ये परावर्तन के पश्चात दोनों को एक दूसरे को यहाँ पर काटते हैं, तो यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बन जाएगा, ये यहाँ से आप लंब डाल दीजिए तो ये इसका प्रतिबिंब बन गया, ये ए डैश बी डैश इसका प्रतिबिंब हो गया। अब यहाँ पर पूरे सिचुएशन को आप देखिए, आप पूरे सिचुएशन को चार्ट में देखिए, क्या मैंने बताया था कि प्रतिबिंब सी और एफ के बीच बनेगा, प्रतिबिंब देखिए कहाँ पर बना है, सी और एफ के बीच में बना हुआ है, ये प्रतिबिंब बना हुआ है दोनों के बीच में। फिर मैंने क्या बताया था, वस्तु से छोटा, देखिए वस्तु इतना बड़ा है और प्रतिबिंब उससे छोटा है। फिर हमने क्या देखा था, उल्टा और वास्तविक, तो उल्टा है वास्तविक है। इस तरह से आपको इसके फिगर बनाने का प्रैक्टिस करना है। क्लियर, तो ये सेकंड फिगर क्लियर हुआ। इस तरह से अपन देखते हैं थर्ड नंबर का, इसका आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। यदि सिर्फ मैंने जैसे रे डायग्राम ड्रा किया, यदि आप सिर्फ उसको देखते रहेंगे तो आपसे सीधा लाइन खींचने में प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए मेरा आपको सजेशन है कि आप इसको एक बार प्रैक्टिस जरूर करिए। क्लियर, नाउ नेक्स्ट फिगर इज थर्ड नंबर सी। चार्ट याद रहने से आपको फायदा क्या होगा, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग आप अपने फिगर को एडजस्ट करेंगे, चार्ट याद नहीं रहेगा दिक्कत हो जाएगा। एट सी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर हो यदि, तो उसी तरह से आपको मिरर बनाने का मैंने तरीका बता दिया। सबसे पहले आप क्या करिए, एक मुख्य अक्ष के लाइन खींच लीजिए, अब आप इस मुख्य अक्ष पे एक इस तरह से अवतल दर्पण बताइए। ये दर्पण को आप बहुत ज़्यादा कर्व नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा कर्व होने पर वह फिर दर्पण की तरह बिहेव नहीं करता, इसलिए इसका जो कर्व है जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे आप बनाएंगे। इसके बाद यहाँ पर ये फिगर में आपको थोड़ा सा होशियारी रखना है कि जहाँ पर वस्तु है वहीं पर प्रतिबिंब, तो पहले से आप प्रतिबिंब को बना दो। देखो मैंने क्या किया,
ये वस्तु है और यहीं पर मैं प्रतिबिंब बना दिया। अब ऐसा मैं क्यों कर दिया होगा आप समझ गए होंगे, क्योंकि यदि वस्तु सी पर हो, ये सी है, तो प्रतिबिंब ही कहां पर बनेगा, सी पर। तो मैंने पहले से प्रतिबिंब को यहीं पर बना दिया, वैसे नहीं बनाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन एक टेक्निक है मैंने बना दिया। अब वो क्या होगा, वस्तु से बराबर, तो मैंने देखो उतने ही साइज का बनाया लगभग, यहाँ मेजरमेंट तो नहीं है लेकिन लगभग उसी साइज का हम प्रतिबिंब बना दिए। अब वो बना कैसे है, मैं उसको बनाता हूँ। देखिए ये आप मुख्य अक्ष के समानांतर एक प्रकाश की किरण खींचिए, ये मुख्य अक्ष के समानांतर। अब ये कहाँ से होके जाना है, फोकस से, तो आप इसको इससे टच कर दीजिए सीधा, क्योंकि यहीं से हमको लेके जाना पड़ेगा, प्रतिबिंब हम यहाँ बना चुके हैं। तो ये प्रकाश की किरण को हम क्या कर दिए, ये जो मुख्य अक्ष के समांतर, उसको हम कहाँ से लेके गए, फोकस से लेके गए। दूसरी प्रकाश की किरण को हम क्या करेंगे, यहां से आप उसको फोकस पर, ये दूसरी प्रकाश की किरण हम कहां से लेके जाएंगे, फोकस से लेके जाएंगे। तो ये हमने दूसरी प्रकाश की किरण को फोकस से आपतित किया। तो जो प्रकाश की किरण फोकस से होके जाती है, वो परावर्तन के पश्चात क्या होती है, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। तो ये मुख्य अक्ष के समानांतर इसको कर दीजिए, ये क्लियर। एक बार रिपीट करता हूं कैसे मैंने बनाया था। ये वस्तु है जो कि वक्रता केंद्र पर रखा हुआ है, इससे चलने वाली एक मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से होके जाती है, दूसरी प्रकाश की किरण फोकस होके जाती है और परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे को यहाँ पर काटती हैं, तो ये क्या होता है, वस्तु का प्रतिबिंब होता है। ए बी वस्तु है और ए डैश बी डैश प्रतिबिंब है, जो सी पर ही बना है उसके बराबर बना है और उल्टा बना है, देखिए, और इसलिए क्या है, वास्तविक है। तो ये है सी पर, ठीक है। अब हम देखते हैं फोर्थ नंबर का पोजीशन, सी और एफ के बीच। नाउ फोर्थ इज बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में, ठीक है। तो उसी तरह से आप एक मुख्य अक्ष खींच लीजिए, ये हम प्रिंसिपल एक्सिस खींच लिए, यहाँ पर एक दर्पण बना दिए, अवतल दर्पण, अरे सॉरी यहाँ पर मैं हेडिंग में गलत डाल दिया स्टार्टिंग से ही, इसको आप करेक्शन कर लेंगे। ये हम क्या पढ़ रहे हैं, पूरा अवतल दर्पण पढ़ रहे हैं ना, तो मैं स्टार्टिंग से वो, हालांकि मेरे को दोनों बताना है आपको, मैं पहले किसको बताऊं करके मैं पहले उसको लिख लिया था। ये हेडिंग को आप करेक्ट कर लेंगे, ये उतल नहीं, अभी मैं आपको पहले अवतल ही पढ़ा रहा हूँ, अवतल कॉनकेव, इसके बाद बता दूंगा आपको कॉन्वेक्स, हेडिंग में उसका डाल दिया था, बताना इसको शुरू कर दिया। चलिए ठीक है, ये आप करेक्शन कर लेंगे। ये जो भी मैं बता रहा हूँ वो अवतल दर्पण के लिए है, क्योंकि यहाँ पर फिगर देखिए मैं अवतल बना रहा हूँ, क्लियर। उतल के लिए एक ही कंडीशन होता है। अब देखिए क्या है, यहाँ पर सी और एफ के बीच में है, तो आप पहले से पोजिशन मत लिखिए, आप ये वस्तु बना लीजिए, सी और एफ के बीच में है, मतलब इधर एफ कहीं पर आगे है, तो एक प्रकाश की किरण को, आज इसको थोड़ा छोटा साइज का बनाएंगे क्योंकि इसको हम यहाँ जरूरत पड़ेगा। और तो पहले आप इसको मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित कर लीजिए, ये मुख्य अक्ष के समानांतर, जो मुख्य अक्ष के समानांतर होता है वो कहाँ से लेके जाते हैं, अपन उसको फोकस से लेके जाते हैं, तो इसको हम कर देते हैं फोकस से, ये हमने फोकस से कर दिया परावर्तन, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित, फोकस से परावर्तन कर दिया। अब आपको पता है कि क्या होगा, ये अनंत और सी के बीच में बनेगा, सी इधर कहीं है इसका, तो आप सी वाले पॉइंट को इस तरह से लीजिए, दोनों को इंटरसेक्शन भी कराना है ना अपने को, एक मिनट, ये फिगर में आपको थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, नहीं तो थोड़ा दिक्कत हो जाता है। इसमें आप एक काम करिए, पहले वक्रता केंद्र वाले फिगर को आप ड्रा कर लीजिए, जो वक्रता केंद्र से होकर जाती है सीधी निकल जाती है, ये वक्रता केंद्र से मैं आपतित किया और उसी टाइम में इसको आप पीछे बढ़ा दीजिए, सेम टाइम में, मतलब क्या हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया, तो जिसकी दिशा वक्रता केंद्र से होती है वो उसी दिशा में क्या होती है,
वापस लौट जाती है। इससे क्या थोड़ा फिगर बनाने में आपको सहूलियत हो जाएगी। मैं तो एडजस्टमेंट करके बना दूंगा लेकिन आपको आसान लगना चाहिए। क्या बताया मैंने, जो वक्रता केंद्र की दिशा होती है, ये देखिए वक्रता केंद्र की दिशा है, वक्रता केंद्र इसके ठीक पीछे, तो वक्रता केंद्र की दिशा वाली सीधी वापस लौट जाती है, तो ये वापस लौट गई। क्लियर। अब दूसरी प्रकाश की किरण को क्या करेंगे हम, मुख्य अक्ष के समानांतर, इसके बाद इसको आपतित करिए। फर्क उसे कुछ नहीं पड़ेगा लेकिन इसे गलती होने के चांसेस कम रहेंगे। ये मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किए। अब मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण कहां से हो जाती है, फोकस से। तो आप इसको ऐसा लेके जाइए कि इसको एक काटे, क्योंकि इसको दोनों को इंटरसेक्शन कराना जरूरी है। तो ये कहां से होके जाती है, फोकस से होके जाती है ऐसे। देखिए मैंने क्या किया, थोड़ा ध्यान दीजिए, जो पैरेलल जाती है किसके, मुख्य अक्ष के, वो परावर्तन के पश्चात कहां से होके जाती है, फोकस। अब इसको आप लिख दीजिए फोकस। तो देखिए वस्तु कहां है, सी और एफ के बीच में, ये सी है और ये एफ, वस्तु और सी और एफ के बीच में आ गया। अब दोनों एक दूसरे को यहां पर काट रहे हैं, यहां पर, तो यहां आप लंब डाल दीजिए ये। अब यहां पर देखो आपका ये वस्तु है ए बी और ये प्रतिबिंब है ए डैस बी डैस। ये फिगर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा ध्यान से बनाना पड़ेगा। तो देखिए सी और एफ के बीच में वस्तु है, ये वस्तु है सी और एफ के बीच में, प्रतिबिंब कहां पर बना, अनंत और सी के बीच में, ये सी है तो सी के इधर का पूरा हिस्सा क्या है, अनंत है। तो अनंत और किसके बीच में बन गया, सी के, बड़ा बन गया। देखिए ये इतना बड़ा है और प्रतिबिंब उससे बड़ा है, और कैसा बना, उल्टा और वास्तविक बना। तो ये आपका ये फोर्थ नंबर का पोजिशन है सी और एफ के बीच में। इसके नीचे में जैसे आपको एग्जाम में आया, तो नीचे में आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। इस तरह से आप एक्सप्लेन करेंगे वस्तु की स्थिति, ऐसा इसको ऐसा ऐसा लिखा जाता है, वस्तु की स्थिति आप लिख देंगे, वस्तु यहाँ पर है। क्या लिख, शब्दों में आप लिखेंगे, मैं संकेत में लिख रहा हूँ, लिख देंगे सी और एफ के बीच में। फिर लिखेंगे प्रतिबिंब की स्थिति, ऐसा इसको एक्सप्लेन करना चाहिए फिगर के नीचे में, फेयर नोट्स बनाएंगे तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, सी और अनंत के बीच में है, या अनंत और सी के बीच में है। उसके बाद लिखेंगे उसकी आकृति लिखेंगे, तो आकृति में क्या लिखेंगे, वस्तु से बड़ा। ये इसका एक्सप्लेनेशन है, इसी तरह से इसको लिखना चाहिए, वस्तु से बड़ा। फिर आप लिखेंगे क्या उसकी प्रकृति, उसका नेचर, तो क्या लिखेंगे, उल्टा है लिखेंगे, और उल्टा ही इसलिए क्या है लिखेंगे आप, उसको वास्तविक लिखेंगे। ये एक्सप्लेनेशन फिगर के नीचे अपने को देना चाहिए, मतलब ये फिगर ऐसे बनाने के बाद इस तरह से इसको अपने को एक्सप्लेन करना है। क्लियर। नाउ नेक्स्ट फिगर इज 5 नंबर। अब अपन देखते हैं 5 नंबर का फिगर को। देखिए ये प्रैक्टिस का मैटर है ना, मैं आपको बार बार एक बात बोल रहा हूं कि प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिगर आपसे नहीं बनेगा, प्रैक्टिस आपको करना ही है। और आपका पीएससी मेंस में इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। एफ अब कहां पर है, एट एफ, ठीक फोकस पर है, ठीक है। तो आप फिगर इस तरह से बनाइए, सबसे पहले ये प्रिंसिपल एक्सिस खींचिए, प्रिंसिपल एक्सिस में एक अवतल दर्पण, अब हम उसको कहां रख दिए, फोकस पर। ये सपोज हमारा फोकस पॉइंट है, ये फोकस पर है। तो एक तो आप वक्रता त्रिज्या वाला को आप बना दीजिए यहां से, ये जैसा भी बनाया था मैं, ये वक्रता त्रिज्या वाले कंडीशन से उसी से वापस, मतलब ये वक्रता केंद्र है तो ये गई और इसी से परावर्तन होके वापस, क्योंकि वक्रता केंद्र। अब हम इसको कहां पर रखे हैं, फोकस पर ही रखे हैं। तो देखिए फोकस से चलने वाली जो प्रकाश की किरण है, फोकस है तो फोकस में ही हम वस्तु को रखे हैं, तो फोकस से तो हम प्रकाश में आपतित कर नहीं सकते। तो यहां से क्या करिए, एक नियम और बताया था आपको, ये कहां, ध्रुव पर, तो हम ध्रुव पर आपतित कर दिए। तो ध्रुव पर जो आपतित होती है वो क्या होता है, उतना ही कोण बनाकर उसी दिशा में परावर्तित हो जाती है इस तरह से। तो अब यहां पर देखो ये दोनों प्रकाश की किरणें आगे जाके एक दूसरे को नहीं काटेंगी, क्यों नहीं काटेंगी, क्योंकि फैलते जा रही है। तो चूंकि ये आगे जाके नहीं काटेंगी इसलिए हम मान के चलते हैं कि कहां पर काटेंगी, वो अनंत पर काटेंगी। तो मान लो आगे चल के प्रकाश की किरण अनंत पर काटेंगी, और जब अनंत पर काटेंगी तो बहुत बड़ा एक इमेजिनेशन है वो, क्योंकि वास्तव में हम यहाँ पर काट के दिखा तो सकते नहीं। तो मान लेते हैं कि कहाँ काटेंगी, अनंत में।
तो इसका फिगर इस तरह से बनेगा जो फोकस पर होगा। इसके बाद मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि 6 नंबर का जो फिगर है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको थोड़ा आपसे ध्यान से समझना है आपको, क्लियर। तो अब हम देखते हैं इसके 6 नंबर के फिगर को, जब वस्तु कहाँ पर होता है, फोकस और पोल ध्रुव के बीच, 6 नंबर पोजिशन बिटवीन फोकस एंड पोल। यहाँ पर जब आप फिगर बनाएंगे तो एक चीज़ ध्यान में रखना कि दर्पण की दूसरी ओर बनता है इमेज, इसलिए आप उसको उसी हिसाब से बिगनिंग से ही लाइट रे को एडजस्टमेंट करके रखना। मतलब जैसे मैं जनरली किनारे में बना रहा था, अब आप किनारे में ना बना के इसको ऐसा बीच में बनाइए दर्पण को, क्योंकि हमको प्रतिबिंब को उस ओर बनाना है, इसीलिए बोला कि चार्ट आपको प्रिपेयर रहना चाहिए। देखिए यहाँ पर लिखा है ना दर्पण के पीछे, तो दर्पण के पीछे भी हमारे पास स्पेस होना चाहिए, ये हमने स्पेस बना के रखा है। अब यहाँ पर हम बना दिए एक वस्तु, ये है मान लो पोल और फोकस के बीच में, तो इससे क्या करेंगे, सबसे पहले एक प्रकाश की किरण इसके वक्रता केंद्र के अकॉर्डिंग इस तरह से आप ले लीजिए, ये कंप्लीट लाइन और इसको हम इस तरह से परावर्तित कर दिए, और एक से ध्यान में रखना सेम टाइम में आप इसको डॉटेड लाइन से आगे बढ़ा दीजिए, ऐसा अभी मैं बता रहा हूँ किस तरह से हुआ है। तो ये वक्रता केंद्र है, जो वक्रता केंद्र से जाती है वो उसी दिशा में वापस आ जाती है, तो प्रकाश की दिशा वापस आ गई। अब यहाँ पर फोकस है, ठीक है, तो दूसरा आप क्या लेंगे, फोकस जो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, ये हमने मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किया एक प्रकाश की किरण को, ये मुख्य अक्ष के समानांतर, तो मैंने क्या बताया मुख्य अक्ष के समानांतर क्या होती है, फोकस से होकर चली जाती है, तो आप इसको फोकस से होकर ले जाइए पीछे, ये तो ये फोकस से होकर चली जाती है ऐसे, और इसी टाइम में इस लाइन को क्या करिए आप डॉटेड लाइन से आगे कर दीजिए। अभी फिगर बनने के बाद मैं आपको इसको और समझा देता हूँ, ये ऐसा। अब देखिए क्या किया मैंने, एक प्रकाश की किरण को मैं वक्रता केंद्र की दिशा में ले गया, ये वक्रता केंद्र की दिशा, और वह उसी दिशा में क्या हो गई, वापस हो गई। दूसरी प्रकाश की किरण को मैं मुख्य अक्ष के समांतर लेके गया, वो कहाँ से होके वापस हो गई, ये फोकस से होकर वापस चली गई ये। अब ये दोनों प्रकाश की किरणें आगे जाके एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी, क्योंकि इनके बीच की दूरी बढ़ती जा रही है। अब दोनों के बीच की दूरी जब बढ़ती जाएगी तो कैसे काटेंगे, काटेंगे कब, जब वो पास आएंगे। तब हमने क्या किया, इस प्रकाश की किरण को पीछे बढ़ाया, तो हमको पहले से ही पीछे बढ़ा के रखना है जैसे मैं बनाया, और दूसरी प्रकाश की किरण को भी हम पीछे बढ़ाए, तो दर्पण के पीछे बढ़ाने पर इसको डॉटेड लाइन आपको शो करना है, क्योंकि वास्तव में प्रकाश किरणें दर्पण को पार करके जा नहीं रही हैं, जाती हुई प्रतीत हो रही हैं, और यहाँ पर हम एक दूसरे को काटने, एक दूसरे को काटती हैं, इसलिए यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो ये ए बी वस्तु था और ए डैश, मैं बार बार एक बात आपको बोल रहा हूँ कि फिगर बनाने के लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस के बिना फिगर नहीं बनेगा बिल्कुल भी। तो ये वस्तु है, अब देखिए यहाँ पर आप चार्ट को देखिए कि प्रतिबिंब कहाँ बना, दर्पण के पीछे, ये दर्पण है, दर्पण के पीछे बना। इसके बाद हमने क्या लिखा है, बड़ा, तो आप देखिए ये वस्तु है और प्रतिबिंब क्या हो रहा है, दर्पण से बड़ा बन रहा है। इसके बाद आप देखिए सीधा तथा आभासी, देखिए वस्तु की तुलना में क्या बन रहा है, सीधा, और चूंकि सीधा है इसलिए क्या होगा, वो आभासी होगा। तो ये हमारा 6 पोजिशन कंप्लीट होता है किसका, अवतल दर्पण का, आप ध्यान रखना ना, ये अवतल दर्पण, उतल नहीं अवतल, अभी उतल आपको बता रहा हूँ। तो ये 6 पोजिशन का आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है, कोई भी एग्जाम में कभी भी जो आपका सब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम है वहाँ पर रे डायग्राम ड्रा करने को आ सकता है, और ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्जाम में आपको सीधा पोजिशन पूछ सकता है कि वस्तु यहाँ पर है तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, नेचर पूछ सकता है कि छोटा बढ़ेगा बनेगा कि बड़ा बनेगा, उसका बिहेवियर पूछ सकता है कि वास्तविक बनेगा कि आभासी बनेगा। तो ये जो पूरा चार्ट मैंने आपको बताया वास्तव में दर्पण का पूरा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है वो, यदि आप ये चार्ट प्रॉपर प्रिपेयर कर लेते हैं तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा आपसे बनेगा, इसकी बार बार आप प्रैक्टिस कर लीजिए। अब हम देखते हैं किससे, उत्तल दर्पण से। तो उत्तल दर्पण का केवल एक पोजीशन होता है, दो काउंट करते हैं लेकिन वो एक ही है, और उसको उसमें 6 पोजीशन नहीं होते,
एक्चुअल में इम्पॉर्टेंट है हमारा ज्यादा क्या अवतल, उतल का केवल एक पोजिशन होता है। अब देखते हैं क्या उतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, यह है कॉन्वेक्स मिरर। सिंगल पोजीशन होता है, इसे मैं आपको डायरेक्ट इसका फिगर बता देता हूं। देखिए किस तरह सिंगल पोजीशन होता है। सबसे पहले आप इसका प्रिंसिपल एक्सिस ड्रा कर लीजिए, मुख्य अक्ष, और यहां पर आप बना लीजिए इस तरह से दर्पण, क्योंकि हम वस्तु को इधर रखेंगे तो आपको उतल दर्पण बनाना है। पॉलिश वाला सरफेस ये हो जाएगा, इसका जो अंदर दबा हुआ सरफेस है वो पॉलिश हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमने ये वस्तु रख दिया, ये वस्तु है। अब देखिए जो प्रकाश की किरण हम मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित करेंगे, ये हम मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किए, तो समानांतर आपतित प्रकाश की किरण कहाँ से होकर जाती हुई प्रतीत होंगी, फोकस से। तो इधर इसका फोकस है ये, तो परावर्तित तो हम इधर कर देंगे लेकिन उसको डॉटेड लाइन से पीछे बढ़ा के दिखा देंगे कि ये फोकस होके जा रही है, ये फोकस होके जा रही है, परावर्तित होगी इधर। अभी मैंने आपको बिहेवियर इसका बताया था कि प्रकाश की किरण से दूर फैल जाएगी लेकिन लगेगा फोकस से, आसान है। और दूसरी प्रकाश की किरण को कर दीजिए क्या इसके वक्रता केंद्र से, क्योंकि वक्रता केंद्र इधर है, तो यहाँ तक ध्यान रखना कंप्लीट लाइन और इधर ही परावर्तित और इधर फिर क्या डॉटेड लाइन। डॉटेड लाइन का मतलब होता है कि प्रकाश में उधर जा नहीं रही है, जाती हुई प्रतीत हो रही है इस प्रकार से। तो ये पहली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर परावर्तित होकर फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी, दूसरी प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र की ओर जाएगी लेकिन वो उसी दिशा में ये वापस लौट जाएगी, और दोनों प्रकाश की किरणें एक दूसरे को यहाँ पर काटती हुई प्रतीत होंगी। तो ए बी वस्तु है और ए डैश बी डैश प्रतिबिंब है। तो यहाँ पर इसका एक्सप्रेशन इस प्रकार से होगा, वस्तु की स्थिति आप लिखेंगे तो वस्तु की स्थिति क्या होती है, हमेशा दर्पण के सामने, तो ये हो जाएगा इन फ्रंट ऑफ मिरर, दर्पण के सामने, इन फ्रंट ऑफ द मिरर ये। इसके बाद प्रतिबिंब की स्थिति, तो प्रतिबिंब की स्थिति हमेशा क्या होगा, इसके बीच बनेगा, आप हमेशा ध्यान रखना किसके किसके बीच में, उस साइड में पोल और फोकस के बीच में, तो पोल और फोकस के बीच में बनेगा हमेशा, ये पोल है ये फोकस है, इसी के बीच ही बनेगा, उसके बाहर नहीं जा सकता वो, क्लियर। और उसके बाद थर्ड पॉइंट उसकी आकृति, तो आकृति भी बहुत महत्वपूर्ण है, उसकी आकृति हमेशा क्या होगा, वस्तु से छोटा बनेगा, क्लियर। और उसके बाद उसकी प्रकृति, तो आप प्रकृति उसका देख रहे हैं क्या है, सीधा है, प्रतिबिंब कैसा बना है, सीधा, इसलिए सीधा प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, आभासी होता है। सब कॉन्सेप्ट मैंने पहले वीडियो में क्लियर कर दिया है, ये तो ये कहलाता है अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, ये इसका इमेज है। आपने देखा होगा कि हमारे व्हीकल के, हमारे गाड़ी के साइड लाइट में, साइड में जो मिरर होता है पीछे का व्यू देखने के लिए, चाहे कार हो बाइक हो, वो जो हम साइड में लेंस है सॉरी मिरर जो यूज करते हैं वो क्या होता है, उतल दर्पण। इसलिए उसमें आपने देखा होगा कि ऑब्जेक्ट इज क्लोजर देन अपीयर क्लोजर देन इमेज लिखा रहता है। इसका मतलब क्या है कि वस्तु बहुत दूर में होता है लेकिन प्रतिबिंब कहाँ बन रहा होता है, पास में, इसलिए उसको देखने से अपने को ऐसा लगता है कि वस्तु एकदम पास है लेकिन आप उसको रियल में देखें तो वस्तु हमारे से दूर रहता है, और पीछे ट्रक भी हो तो बहुत छोटा सा दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है, क्योंकि उसका वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो गाड़ी के साइड ग्लास में जो यूज़ किया जाता है, जो मिरर यूज़ किया जाता है वो क्या है, उतल दर्पण होता है, ये आप ध्यान रखना। और गाड़ी के हेडलैम्प में जो यूज़ किया जाता है, गाड़ी के हेडलैम्प में प्रकाश की किरणों को फैलाने के लिए, ठीक है, वो उतल अवतल यूज़ किया जाता है। इस तरीके से ये आप इसको इमेज फॉर्मेशन को ध्यान देंगे और इसकी आप प्रैक्टिस कर लेंगे। अब इसमें मैं कुछ मैथमेटिकल टर्म्स इसके आपको बता रहा हूँ, मैंने स्पेशली उसको इसलिए लास्ट में पढ़ाने के लिए प्लानिंग किया कि इसमें कुछ गणितीय सूत्र हैं जिसमें आपके छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, आपको उसका डेरिवेशन नहीं देखना है, सिर्फ उस पर बेस्ड आपको आंकिक प्रश्न कुछ देखना है, और वो आपको मैं सारे फार्मूले एक बार बता देता हूँ। तो इसमें कौन कौन सा फार्मूला यूज होता है उसका अलग से कलेक्शन आपको दे रहा हूँ मैं,
और चिन्ह प्रॉपर्टी का आप यूज करके उसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें यूज होने वाले फार्मूले यूज्ड इन मिरर, तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं रैखिक आवर्धन। ये रैखिक आवर्धन का छोटा सा फार्मूला, ये होता क्या है, लीनियर मैग्निफिकेशन। रैखिक आवर्धन लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है, इसको हम स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं और स्मॉल m इक्वल टू होता है I अपॉन O, या हम इसको लिखते हैं V अपॉन U। यहाँ पर मैं संकेतों को आपको अलग से बता दूंगा। यहाँ पर I क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई, I क्या है प्रतिबिंब की लंबाई, और O क्या है वस्तु की लंबाई, ठीक है, और V क्या है प्रतिबिंब की दूरी ध्रुव से, U क्या है वस्तु की दूरी है, क्लियर। इसके बाद दूसरा है F तथा R में संबंध, दूसरा फार्मूला है, ये जो F होता है मतलब फोकस दूरी, F इक्वल टू होता है R अपॉन 2, मतलब वक्रता त्रिज्या की आधी, फोकस दूरी हमेशा वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तीसरा इसका जो फार्मूला है वो है 1 अपॉन F इक्वल टू 1 अपॉन U प्लस 1 अपॉन V, इसको हम दर्पण सूत्र भी कहते हैं, इसको हम दर्पण सूत्र मिरर फार्मूला के नाम से भी जानते हैं। तो तीन इसके बहुत महत्वपूर्ण फार्मूले हैं, m इक्वल टू आई अपॉन ओ, ये f इक्वल टू आर अपॉन टू, इसके बेस पर न्यूमेरिकल्स बनते हैं। और यहाँ पर आप ध्यान रख लेंगे कि i क्या है वस्तु की लंबाई, सॉरी प्रतिबिंब की लंबाई ना, i क्या है प्रतिबिंब की लंबाई, ओ क्या है वस्तु की लंबाई, U क्या है ध्रुव से वस्तु की दूरी, ध्रुव से वस्तु की दूरी, V क्या है ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी। ये संकेतों को आपका जानना जरूरी है कौन क्या है। इसके बाद हमने संकेत यूज किया है F क्या है फोकस दूरी, ये फोकस दूरी, और R क्या है वक्रता त्रिज्या, दर्पण की वक्रता त्रिज्या। ये मैंने सभी संकेत को एक्सप्लेन कर दिया कौन क्या है, क्लियर। तो यहाँ पर ये तीन फार्मूले से कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स यूज होंगे, और आप हमेशा ध्यान रखना कि उसको आपको चिन्ह परिपाटी के साथ यूज करना है। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट नोट है, वो ये है, पहला कि उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, उत्तल दर्पण की फोकस, उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होगी वो हमेशा, ठीक है, उत्तल दर्पण मतलब इस तरह का दर्पण ये है, और आप देखे होंगे कि आपतित किरण ये उत्तल दर्पण की फोकस दूरी अंदर में होती है, आपतित किरण की दिशा मापी गई दूरी है, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है धनात्मक। इस पर मैं बताता हूँ आपको किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और दूसरा होता है अवतल दर्पण की फोकस दूरी, इसकी जो फोकस दूरी होती है हमेशा क्या होती है ऋणात्मक, ये आप कभी नहीं भूलना। मतलब कई बार इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि दर्पण का व्यवहार बताइए, कि दर्पण किस प्रकार का है। आपने कोई न्यूमेरिकल बनाया और न्यूमेरिकल बनाने के बाद लास्ट में आपको पूछा कि दर्पण किस प्रकार का है, तो जब आप इस फोकस दूरी की गणना करेंगे और फोकस दूरी का मान, यदि फोकस दूरी का मान आपको धनात्मक मिल जाए तो आप बता दोगे क्या है वो कॉन्वेक्स मिरर है, और यदि आपको फोकस दूरी क्या मिल जाए ऋणात्मक, तो चिन्ह के आधार पर बता दोगे क्या है वो अवतल दर्पण है। इस प्रकार से मैंने आज के अपने इस वीडियो में आपको परावर्तन का जो गोली पृष्ठ होता है वो कंप्लीट एक्सप्लेन किया। पहले वीडियो में मैंने परावर्तन का बेसिक कॉन्सेप्ट और समतल पृष्ठ से परावर्तन एक्सप्लेन किया था, क्लियर। तो आप इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए, और इसमें आपको कुछ भी कुछ कभी कुछ प्रॉब्लम हो, आपको मेरे को सजेशन करना है, तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर करिए। और यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको सब्सक्राइब करिए। मैं आपको कंटिन्यूस PSC मेंस SEF
और रेंजर में जो कंप्लीट सिलेबस है वो फिजिक्स और साथ ही मैथ्स भी प्रोवाइड करा रहा हूँ। ओके, थैंक यू।